में संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर अरशद मदनी ने जवाब दिया है। अरशद मदनी ने कहा है कि उनके पूर्वज हिंदू नहीं मनु थे, उनके इस बयान पर विवाद हो गया है। अरशद मदनी ने कहा, सबसे पहले आदम मनु आए, अल्लाह की इबादत की, सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज भारत में उतरी, ये कहा मदनी ने। जब राम और शिव नहीं थे तब मनु ओम को पूछते थे, ये कहा मदनी ने। इस्लाम खत्म नहीं हो सकता, कोई धर्म ऐसे खत्म नहीं हो सकता, ये मदनी ने कहा। हमने कभी किसी को इस्लाम अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया, ये कहा अरशद मदनी ने। जमियत उलेमा हिंद के अधिवेशन के आखिरी दिन मौलाना अरशद मदनी के बयान पर जबरदस्त बवाल हो गया। मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे न ब्रह्मा थे न शिव थे। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे? कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है, उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो। और मौलाना अरशद मदनी इसी तरह मंच से बोलते रहे और उनके बयान पर विवाद भी बढ़ता चला गया। आपको बता दें कि जमीयत के सम्मेलन में मदनी के बयान पर बवाल मचा हुआ है। एक के बाद एक प्रतिक्रिया सामने आई। आचार्य लोकेश मुनि ने अरशद मदनी के बयान का विरोध किया है और इसे खारिज किया है। मंच पर दूसरे धर्म की उपेक्षा की गई है, ये लोकेश मुनि का कहना है। मौलाना मदनी के विवादित बयान का जैन मुनि लोकेश ने मंच से ही विरोध किया और नाराजगी जताते हुए सम्मेलन से चले गए। इस दौरान दूसरे धर्म गुरुओं ने भी उनके साथ जाने का फैसला किया। मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है, और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है, अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। मैं मदनी साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूँ शास्त्रार्थ के लिए, आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुला लेंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा। और आपको निवेदन करता हूँ, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए, और उससे पहले भगवान पार्श्व 23वें थे, और इष्ट नेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे, किंतु याद रखिए उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत देश का नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है, मैं सहमत नहीं हूँ, और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।